गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। देखिए आज का लेक्चर हमारा कक्षा 12वीं के लिए फलन। फलन के एक भाग हमने देखा था जिसमें फलन की परिभाषा, फलन के प्रकार और उसके पहले उस संबंध के बारे में हमने देखा था, तुल्यता संबंध। फलन के प्रकार हमने देखा था, फलन कौन से फलन का व्युत्क्रमणी हो सकता है और व्युत्क्रमणी फलन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप देखते हैं हम फलनों का संयोजन कि एक से अधिक फलन यदि परिभाषित है समुच्चयों के बीच में। जैसे अपने पास एक समुच्चय है, इसमें एक फलन एक समुच्चय है और एक समुच्चय बी है। ए और बी के बीच में एक एफ समुच्चय परिभाषित है और बी और सी के बीच में एक दूसरा फलन, सॉरी ए और बी के बीच में एक फलन परिभाषित है एफ और समुच्चय बी और सी के बीच में परिभाषित है फलन जी। तो इसका प्रत्येक अवयव इसके अद्वितीय अवयव से संबंधित है और ये भी फलन है तो इसके प्रत्येक अवयव इसके अद्वितीय फलन से संबंधित होगा। निश्चित रूप से एक प्रत्येक अवयव सी से भी परिभाषित होगा जो इन दोनों फलनों के संयोजन ओ एफ ओ जी से परिभाषित होगा फलन से, और ये ए के अवयव डायरेक्ट सी से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ए से बी में एक फलन एफ है जो ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, और उसके बाद एक दूसरा फलन जी है जो समुच्चय बी से समुच्चय ए में परिभाषित है इस प्रकार की जी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स है, तो इनका संयोजन यदि मैं ए के किसी अवयव को सी के अवयव से, सी के अवयव दूसरा तीसरा समुच्चय सी है उससे कोरिलेट करना चाहूँ तो 5x है, सी से रिलेट करना चाहूँ तो इनका संयोजित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लूँगा x बिलोंग्स टू ए लूँगा, फिर उसमें एफ एक्स एक परिभाषा निकालूंगा तो एफ एक्स जो होगा वो b का एलिमेंट होगा। एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू b। अब उसको मैं g पर ऑपरेट करूँगा क्योंकि जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5x, तो मेरे को चाहिए b का एलिमेंट जो एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 5x में x की जगह x स्क्वायर लिखना पड़ेगा तो जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो इस प्रकार एफ ओ जी और x इक्वल टू एफ ओ जी नहीं, पहले मैंने जी एफ को ऑपरेट किया है बाद में जी को किया है तो ये कहलाएगा जी ओ एफ, जी ओ एफ करके कहलाएगा। मैंने पहले एफ एक्स निकाला है, एफ एक्स निकाला है फिर जी एक्स निकाला है, तो इसका रिलेशन हो जाएगा एफ ओ जी जी ओ एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम पहले जी एक्स को ऑपरेट करते हैं, जी एक्स इक्वल टू 5x हो जाएगा, फिर जी एक्स निकालने के बाद यदि हम एफ ओ जी निकालना चाहें तो एफ ओ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, फिर एफ 5x हो जाएगा, तो ये 5x होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार इसका दोनों का संयोजन होता है। अब देखिए इधर के जो कुछ क्वेश्चन इसमें संयोजन पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के बारे में हम देखें। फलनों पर आधारित जो संयोजन है उसको नीचे के कुछ क्वेश्चन में है, शुरुआत में अंकों पर आधारित कुछ संयोजन है। जैसे हम प्रश्नावली को देखें तो इसमें तीन समुच्चय हैं अपने पास ए बी सी और दो फलन परिभाषित है। फलन को यदि हम वेन डायग्राम में दर्शा लें, जैसे यदि हम ए को यहाँ लिख देते हैं और बी को यहाँ लिख देते हैं और सी को यहाँ लिख देते हैं, ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, बी का एलिमेंट है 4, 5 और सी का एलिमेंट है 5, 6 ऐसे। तो जो दिया गया है एफ जो है ए से बी में है ऐसे करके, और जी है वो बी से सी में है, तो ए से सी में एफ ओ जी ऐसे होगा, जी ओ एफ, एफ ओ जी तो उल्टा हो जाएगा, जी को पहले ऑपरेट करेंगे तो सी का एलिमेंट आ जाएगा, जी ओ एफ, जी ओ एफ जो ए सी में परिभाषित है उसको फाइंड करना है हमको, जी ओ एफ इस फलन को परिभाषित करना है जो ए टू सी में परिभाषित है। एफ से पहले बी में जाएगा एफ के द्वारा, ए से बी में और जी के द्वारा बी से सी में जाएगा, तो जी ओ एफ है वो ए टू सी में परिभाषित होगा। तो देखिए इसमें जो पहला दिया हुआ है एफ वन इज फोर, वन जो है फोर से रिलेटेड है, और उसके बाद एफ टू है वो फाइव से रिलेटेड है, और एफ थ्री है वो फोर से रिलेटेड है ऐसे। अब उसके बाद एफ फोर है, सॉरी जी फोर, जब जी परिभाषित हो रहा है बी से सी में तो जी फोर इक्वल टू फाइव दे रहा है तो ये इससे रिलेटेड हो गया, और जी फाइव इक्वल टू सिक्स दे रहा है, तो कुल मिलाकर हमको ए टू सी यदि हम कहें, ए टू सी कहें जी ओ एफ, तो वन का इमेज क्या हुआ, जी ओ एफ वन का इमेज, ये जी ओ एफ वन का इमेज, वन यहाँ से फोर में गया, फोर से फाइव में गया तो ये हो जाएगा फाइव, और जी ओ एफ ए टू सी यानी तीनों को निकालना है, जी ओ एफ
टू का, टू का इमेज कहाँ गया, टू से पहले फाइव में गया और फाइव से सिक्स में गया, तो ये सिक्स हो गया। एंड जी ओ एफ थ्री, तो थ्री से फोर में गया और फोर से फिर फाइव में गया। तो इस प्रकार इसके वेन डायग्राम बनाएंगे तो इनका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है कि वन थ्री से जाएगा, टू सिक्स से जाएगा और थ्री फाइव से जाएगा करके। वन का जो इमेज है वो फाइव है और टू का इमेज सिक्स है और थ्री का इमेज फाइव है। इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, जब यदि आप वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे ये पूरा भूल जाइए आप। अब देखिए कैसे करना है, जब वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे तो कैसे करना है इसको। वेन डायग्राम में तो बहुत इजी है, वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे तो एफ वन इक्वल टू फोर की वन है। अब हमको जी फोर खोजना है, ये वन से फोर में चला गया, जी फोर कितना है, जी फोर फाइव है, तो जी ओ एफ वन इक्वल टू जी एफ वन, तो जी फोर इक्वल टू फाइव। अब जी ओ एफ टू निकालना है, मान लो जी एफ टू निकालना है तो पहले जी ऑफ एफ टू लिखेंगे, तो एफ टू की वैल्यू कितना गिवन है, फाइव, तो जी फाइव, फिर जी फाइव कितना गिवन है, सिक्स गिवन है, तो इस प्रकार टू का सिक्स पहुंच गया, जी फाइव इक्वल टू सिक्स उधर गिवन है। अब जी ओ एफ थ्री निकालना है तो जी ऑफ एफ थ्री लिखना है, तो एफ थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो एफ थ्री दिया गया है, एफ थ्री इक्वल टू फोर और जी फोर की वैल्यू दिया गया है फाइव, तो इस प्रकार जी फोर बराबर फाइव। ऐसे करके भी बिना वेन डायग्राम के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो इसी प्रकार का है, वेन डायग्राम बनाएंगे तो तुरंत तुरंत आपको इसका सलूशन मिल जाएगा, वेन डायग्राम से भी दर्शा सकते हैं। वेन डायग्राम से दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें यदि एफ वन टू थ्री है, वन टू फाइव में, तथा जी वन टू फाइव से वन थ्री में है, और एफ वन टू एफ थ्री फाइव एफ फोर वन तथा जी वन थ्री जी टू थ्री जी फाइव वन द्वारा प्रदत्त है, जी ओ एफ ज्ञात कीजिए बोला है, जी ओ एफ मीन्स ऐसा है कि एफ वन इक्वल टू टू एंड जी टू इक्वल टू थ्री, ऐसा करके जी ओ एफ फाइंड करने, मतलब तीन है सेट अपने पास, ए बी एंड सी, यहाँ से यहाँ एफ परिभाषित है, यहाँ से यहाँ जी परिभाषित है, तो जी ओ एफ पहले एफ ऑपरेट होगा ए से बी में, फिर जी ऑपरेट होगा बी से सी में, तो जी ओ एफ निकलेगा, जी ओ एफ निकलेगा, तो जी ओ एफ इक्वल क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हमको दिया गया एफ वन टू थ्री, पहला सेट है वन टू थ्री का, सेकंड सेट है वन टू थ्री का जो इमेज है वो वन टू फाइव में मिल रहा है, वन टू फाइव में मिल रहा है, वन टू फाइव, वन का टू है, यहाँ देखिए एफ में वन टू लिखा है, वन का टू है और थ्री का फाइव है, थ्री का फाइव है, ये थ्री फाइव लिखा है, फोर का वन है, तो अच्छा वन टू थ्री ना वन टू फोर है, वन थ्री फोर है, सॉरी वन थ्री फोर है, तो थ्री का फाइव है, ये थ्री का फाइव है, पहला सेट है वन थ्री फोर का एंड फोर का वन है, ऐसे करके। अब दूसरा सेट जी में देखिए, जी से वन थ्री में गया है, जी जो है वन टू फाइव से वन थ्री में गया गया है, तो जी का ऑपरेशन को देखें हम, वन का थ्री है, वन का थ्री है मतलब इधर गया, और टू का थ्री है, वन का भी थ्री है, टू का भी थ्री है, और उसके बाद फाइव का वन है, ऐसे करके। तो इस प्रकार यदि हम जी ओ एफ का वन का देखें, वन का फाइनल इमेज जी ओ एफ में, तो वन से गया टू में, टू से गया थ्री में, वन थ्री हो जाएगा, और उसके बाद सेकंड इसका एलिमेंट लेते हैं थ्री, थ्री गया फाइव में, फाइव गया वन में, तो थ्री वन हो गया, और उसके बाद फोर वन में गया, वन थ्री में गया, तो फोर वन हो गया। इस प्रकार जी ओ एफ के एलिमेंट ऐसे होंगे, जी ओ एफ के एलिमेंट ऐसे होंगे, इसमें वन का थ्री, थ्री का वन एंड फोर का थ्री, फोर का थ्री होगा, ठीक है, फोर का वन, वन से थ्री, फोर का थ्री, इस प्रकार हमको इमेज निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे थ्री को देखें, माना एफ थ्री वन नाइन थ्री ट्वेल्व फोर तथा जी वन थ्री वन थ्री थ्री फोर नाइन और फाइव नाइन, तो दर्शाइए कि एफ ओ जी एम जी एफ दोनों परिभाषित हैं, जी एफ और एफ ओ जी को ज्ञात कीजिए बोला है। तो देखें इसमें
ए इसका जो एलिमेंट है 3, 9 और 12 है, तो एक एलिमेंट हम ले लेते हैं ए, जिसमें पहला एलिमेंट पहले ब्रैकेट में 3 है, फिर 9 है, फिर 12 है, तो ये 3, 9, 12। इसको ऐसे वेन डायग्राम से ज़्यादा आसान है। फिर एक सेकंड सेट लेते हैं, उसका एफ का सेकंड एलिमेंट 1, 3 और 4 है, तो यहाँ पर 1, 3 और 4 लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जी का जो पहला एलिमेंट है 1, 3, 4 और 5 भी है, 1, 3, 1 है, 3 है, 4 और 5 भी है, तो ये 5 यहाँ पर लेना पड़ेगा सेकंड सेट में। और उसके बाद क्या है कि थर्ड सेट, अच्छा इसमें वेन डायग्राम लेंगे तो 3 और 9 आ रहा है, तीसरा 3 और 9, इसमें देख लेते हैं वेन डायग्राम से नहीं बनेगा तो उससे बना देंगे कि जी का जो इमेज है एक या तो 3 बन रहा है या 9 बन रहा है। तो पहले जैसे जी ओ एफ लेते हैं हम, जी ओ एफ परिभाषित करेंगे तो ए 3 का इमेज कितना है, 1 है, और 9 का इमेज 3 है, फिर 12 का इमेज 4 है। उसके बाद ए परिभाषित हो गया, उसके बाद जी का 1 परिभाषित है नेक्स्ट 3 से, और उसका 3 परिभाषित है 3 से, और 4 परिभाषित है 9 से, और 5 भी परिभाषित है 9 से। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि एफ ओ जी निकालेंगे तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 3 का 3 और 9 का 3 एंड जी ओ एफ निकालेंगे तो 12 का, पहले एफ ऑपरेट करेंगे फिर जी ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर जी है, तो 12 का इसका हो जाएगा 4 और 4 से फिर 9, ऐसे इस प्रकार इसका जी ओ एफ परिभाषित होगा। दर्शाइए कि जी ओ एफ परिभाषित है परंतु, अच्छा क्या दिया इसमें, दोनों परिभाषित बोला है, क्वेश्चन नंबर थ्री दोनों परिभाषित बोला है। थ्री थ्री नाइन थ्री ट्वेल्व बनाने, इसको 14 लिख दिए हैं, 12 और 9 ए फो जी, ए फो जी परिभाषित करते हैं। ए फो जी परिभाषित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 तो एफ में दिया नहीं है, जी में बस दिया हुआ है। ए फो जी यानी पहले जी ऑपरेट होगा तो देखिए 5 से जी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एफ को ऑपरेट करेंगे। एफ ओ जी यानी पहले जी ऑपरेट होगा, जी होगा वो बी से सी में जाएगा, फिर ऑपरेट करेंगे एफ को तो वो ए से सी में जाएगा। देखिए एफ ओ जी निकालने के लिए हम इसका ले लेते हैं, एफ ओ जी निकालने के लिए फर्स्ट एलिमेंट, तो एफ ऑफ जी वन लिखना पड़ेगा। यहाँ जी वन कितना दिया हुआ है, जी का परिभाषा में 1 का 3 हो रहा है तो ये एफ 3 हो गया, फिर एफ की परिभाषा में एफ 3 का 1 हो जा रहा है तो ये 1 आ गया। इसको कैलकुलेशन से कर लेते हैं, फिर एफ ओ जी का कौन सा एलिमेंट है जी का, एफ ओ जी हमको परिभाषित करना है 1 का कर लिया, अब 3 का करना है तो एफ ऑफ जी 3 हो जाएगा, और एफ जी 3 की वैल्यू हमको दिया गया है जी की परिभाषा में 3, अच्छा से इसको देख ले रहा मैं, उसको देख लेना, 3 का 3 दिया हुआ है और एफ की परिभाषा में 3 का 1 दिया गया है तो 3 का 1 आ गया, 3 का इमेज 1 आ गया। फिर एफ ओ जी लेना है 4 का, तो एफ ऑफ जी 4 लिखेंगे तो ये एफ हो जाएगा, जी 4 की वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए जी वाले लाइन में 4 की वैल्यू 9 दिया हुआ है और एफ 9 की वैल्यू दिया गया है 3, तो 4 का 3 हो गया एफ ओ जी में। अब लेना है एफ ओ जी 5, तो एफ ऑफ जी 5, जी 5 हमको दिया गया है 9, जी 5 हमको 9 दिया गया है तो एफ 9 हो जाएगा और एफ 9 हमको दिया गया है 3, तो 5 का 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। इस प्रकार एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों परिभाषित हो गया और इनका मान निकल गया। यहाँ पर हमने एक में डायरेक्ट निकाला था और एक को वैल्यू के द्वारा निकाला था। अब देखिए इसमें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन,
क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है उसके आधार पे वैल्यू पुट करना होता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, माना एफ इक्वल टू 1-1, 2-4, 3-9 और जी 1-3 और -4-7, -9-1 दर्शाइए। एफ ओ जी परिभाषित है, परंतु एफ ओ जी परिभाषा जी ओ एफ परिभाषित है लेकिन एफ ओ जी नहीं, तो निकालते जाते हैं। चलिए जी ओ एफ प्रत्येक एलिमेंट को निकालते हैं। जी ओ एफ परिभाषित है तो जी ओ एफ को निकालते हैं पहले। जी ओ एफ, एफ को हम पहला एलिमेंट ले लेते हैं। एफ का एन जो है -1 से रिलेटेड है, तो जी ऑफ एफ वन, जी और यहाँ कैपिटल ब्रैकेट, यहाँ एफ वन लिखते हैं, तो जी ऑफ एफ वन इक्वल टू जी -1 हो जाएगा। और जी -1 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। फिर जी ओ एफ कौन सा एलिमेंट है, एफ में 2 है, इक्वल टू जी एफ टू निकालते हैं, तो एफ टू की वैल्यू -4 है, ये है -4, एफ टू की वैल्यू -4 और जी -4 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 आ गया। फिर निकालते हैं जी ओ एफ, 2 के बाद 3 है इसमें, तो जी एफ टू, एफ टू की 3 है, एफ थ्री की वैल्यू है यहाँ पर एफ थ्री इक्वल -9, तो जी -9, फिर यहाँ जी -9 11 है, तो 3-7-11 करके हमको मिला है, 3-7-11 करके मिला हुआ है। अब जी का देखते हैं, एफ ओ जी का, एफ ओ जी, जी का पहला एलिमेंट -1 है, तो एफ जी -1, एफ जी -1 निकालेंगे तो वो 3 में चला जाएगा, एफ थ्री, फिर एफ थ्री की वैल्यू यहाँ दिया नहीं है, एफ थ्री की वैल्यू, अच्छा एफ थ्री की वैल्यू -9 है, सॉरी एफ थ्री की वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन में एफ थ्री -9 है। फिर निकालते हैं एफ ओ जी, जी में -1 के बाद -4 है, तो एफ जी -4 इक्वल टू एफ, -4 है वो 7 से रिलेटेड है, और एफ में 7 किसी से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगा, इसीलिए परिभाषित नहीं है, एफ ओ जी परिभाषित नहीं है, एफ 7 की वैल्यू नहीं निकल रहा है, एफ 7 परिभाषित नहीं है, यहाँ पर 3 बिंदु परिभाषित है उसमें 7 नहीं है, इसीलिए एफ ओ जी परिभाषित नहीं है बल्कि जी ओ एफ परिभाषित है, और जी ओ एफ की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो इस प्रकार वैल्यू पुट कर करके निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, माना ए ए बी सी बी यू वी डब्ल्यू, एफ ए बी में और जी बी ए में क्रमशः इस प्रकार है, तो दर्शाइए कि एफ और जी दोनों एक एक ही आच्छादक है और जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए बोला है। तो एक एक ही आच्छादक, वैसे इसके द्वारा जैसे वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं ए बी। अब इनके बीच में यदि अब यहाँ ए बी सी है, यहाँ यू वी डी एन डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू, तो ए का संबंध बी से है और बी का संबंध यू से है और सी का संबंध डब्ल्यू से है। कौन सा संबंध है, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध यू से, ये एफ है, एफ संबंध है। तो देख लीजिए एक एक ही है, कोई मैं एक से एक है और कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, तो एक एक ही आच्छादक है, एफ जो है एक एक ही आच्छादक है। अब जी लगाते हैं बी से ए में, बी से ए में जी लगाते हैं, ये बी है, ये ए है, ये ए बी सी है, ये यू बी डब्ल्यू है, तो बी से जी से ए में लगाएंगे तो यू का बी हो गया और भी का यू का बी हो गया, ऐसे होगा, यू का बी हो गया, भी का ए हो गया और डब्ल्यू का सी हो गया, तो ये भी एक एक ही आच्छादक है, तो ये जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों इस प्रकार हमको मिल जाएगा। ये यदि कैलकुलेट करना चाहें तो, कैलकुलेट करना चाहें तो ये तो एक एक ही आच्छादक वेन डायग्राम से दिखने लगा और दोनों का संयोजन एक एक ही आच्छादक है, तो दोनों एक एक ही आच्छादक है, प्रमेय होता है उसके द्वारा, यदि दोनों का संयोजन एक एक ही आच्छादक है तो दोनों एक एक ही आच्छादक ऐसे प्रूफ हो जाएगा। यदि हम जी ओ एफ और एफ ओ जी निकाल लें, जैसे जी ओ एफ निकाल रहे हैं, जी ओ एफ निकालते हैं ए का, तो जी एफ ए लिखेंगे और जी एफ ए की वैल्यू हमारे पास ये भी है, यहाँ पर एफ ए की वैल्यू भी है, तो जी भी और जी भी की वैल्यू ए है ऐसे करके, और जी ओ एफ निकालते हैं बी का, तो जी
एफ बी की वैल्यू यू है और जी यू की वैल्यू बी है, ऐसे ऐसे करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए बी सी ही आएगा, वो रिवर्स इमेज है तो फिर वही एलिमेंट आ रहा है, ए से बी में जा रहा है फिर बी से ए में आ रहा है, इसीलिए वही एलिमेंट हमको मिल रहा है, इनवर्स इमेज है। इसलिए यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस सेवन और जी एक्स बराबर एक्स माइनस सेवन, तब जी ओ एफ सेवन ज्ञात कीजिए। बोला है क्वेश्चन नंबर सिक्स, एफ ओ जी सेवन, तो एफ जी सेवन, तो एफ जी की परिभाषा लगा देते हैं, जी की परिभाषा है एक्स माइनस सेवन। अब एफ एफ है एक्स प्लस सेवन, लेकिन एक्स की जगह एक्स माइनस सेवन रखना है, तो एक्स माइनस सेवन प्लस सेवन, तो एक्स माइनस सेवन प्लस सेवन इक्वल टू एक्स। तो इस प्रकार से समय एफ ओ जी इक्वल टू एक्स हमको प्राप्त होगा, एफ ओ जी इक्वल टू एक्स प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जी ओ एफ है, एफ ओ जी निकाला ना, अच्छा दोनों निकालना है, एफ ओ जी सेवन निकालना है, क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सेवन में है एफ ओ एफ इक्वल टू आर टू आर जी आर। चलिए ये क्या है, सभी जो फंक्शन है वैल्यू पुट करने वाला बस रहता है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जी आर टू आर में है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स एक्स प्लस वन है, तो एफ ओ जी बराबर नहीं है जो एफ के, हमको निकालना है। तो सबसे पहले चलो हम निकालते हैं एफ ओ जी एक्स, तो एफ जी एक्स पहले लिखना होगा, जी एक्स एक परिभाषा है एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स प्लस वन, और एफ एक्स एक परिभाषा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक जगह पूरा एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर वन एफ ओ जी एक्स। फिर जी ओ एफ एक्स लिखते हैं, तो जी एफ एक्स एक्स की परिभाषा पहले लगाएंगे, एफ एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की परिभाषा है एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह एक्स एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक व दो से ये सिद्ध होता है कि एफ ओ जी बराबर नहीं है जी ओ एफ के, दोनों इक्वल नहीं है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ये है सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन। एट्थ देख लीजिए, पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्याओं से धनात्मक वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, इसलिए दिया है कि रूट एक्स दिया हुआ है, इसलिए जी एक्स जो है रूट एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स भले ही एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ज्ञात कीजिए दोनों बराबर फलन है, अच्छा परिभाषित है, दोनों बराबर भी सिद्ध करना है। तो देखिए एफ ओ जी तथा जी ओ एफ, एफ ओ जी निकाल लेते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर एट, तो एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स की परिभाषा है रूट एक्स, तो एफ रूट एक्स हो जाएगा, फिर एफ एक्स की परिभाषा है एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फिर जी ओ एफ एक्स लेते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स की परिभाषा है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर, फिर जी एक्स की परिभाषा है प्लस रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह इसमें जी एक्स की परिभाषा में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो ये भी एक्स आ गया, तो दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर फलन है। क्वेश्चन नंबर नाइन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, जैसे अभी बना रहे थे उसी का है ये, एफ एक्स, अच्छा एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है। जैसे नाइन का जो फर्स्ट है, इसमें हम जी ओ एफ एक्स निकालना चाहें, तो जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की परिभाषा है एक्स, तो ये जी एक्स हो गया, और जी एक्स की परिभाषा है मॉड ऑफ एक्स, तो ये मॉड ऑफ एक्स हो गया, फिर जी ओ एफ निकाल लिए, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स की परिभाषा है मॉड एक्स, और एफ एक्स की परिभाषा है एक्स, तो ये दोनों बराबर आ गया फर्स्ट में। इसी प्रकार का कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार का कैलकुलेशन और बहुत सारा हमने किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर जैसे नाइन है, नाइन के कुछ एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाइन में जो पहले कर रहे थे उसी टाइप का ही क्वेश्चन पूरा पूरा रिपीट है। देखिए इसमें टेंथ नंबर का क्वेश्चन आठ वार, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और जी एक्स दर्शाइए, क्वेश्चन नंबर टेंथ ले आइए, क्वेश्चन नंबर टेंथ, हाँ नाइन्थ में उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जिसको कैलकुलेशन किया जा सकता है। यहाँ पर ये बता रहे कि आइडेंटिटी
आइडेंटिटी फलन है करके इसको बताना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ। जैसे टेंथ देखें तो जी ओ एफ एक्स निकालते हैं तो जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स की परिभाषा है एक्स प्लस वन, ऐसे तो ये जी एक्स प्लस वन हो गया। अब जी एक्स की परिभाषा है एक्स माइनस वन, तो जी की परिभाषा लगाएंगे तो एक्स एक जगह एक्स प्लस वन लिखना होगा, तो एक्स प्लस वन माइनस वन इक्वल टू एक्स। तो एफ ओ जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है, इसीलिए आई है आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट फलन। मतलब कोई एलिमेंट को ऑपरेट करें और वही एलिमेंट आ जाए तो इसको कहा जाता है आइडेंटिटी फलन, ठीक है, यूनिट फलन इसको कहा जाता है। और एफ ओ जी निकाल देते हैं, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स, तो जी एक्स की परिभाषा है एक्स माइनस वन, ऐसे। अब एक्स की जगह एक्स माइनस वन रखना है एफ एक्स में, एफ एक्स की परिभाषा है एक्स प्लस वन, एक्स की जगह एक्स माइनस वन रखेंगे तो ये भी एक्स आ गया। तो इस प्रकार दोनों क्या हुआ, आइडेंटिटी फलन है, दोनों एक्स के बराबर आ जाता है। तो इस प्रकार ये फलनों के संयोजन के बारे में जो लेक्चर था है, तो बहुत ईजी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स फलन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।